बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के सकूरपुर में पति ने पत्नी और बेटे को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। अवैध संबंधों का था शक। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे सुभाष पुलिस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना उत्तर पश्चिम दिल्ली के सकूरपुर इलाके की है, जहां ब्रिजेश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे सुभाष पुलिस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी होल्डर पैकिंग का काम करता था। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि बच्चे की उम्र मात्र 1.5 वर्ष थी और मृतका पत्नी की पहचान अंजलि के रूप में हुई है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।